Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Holi, Kajal. Thank you, auntie. Same to you. एवरीवन वेलकम बैक इन माय ब्लॉग. और आज हम जा रहे हैं, मेरी भाभी का बर्थडे है, हम लोग जा रहे हैं काजल का बर्थडे सेलिब्रेट करने. और सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने केक वगैरह सब कुछ ले रखा है. तो बस हमारा घर सामने है और हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं. तो घर पहुंच के सबसे मिलाते हैं और दिखाते हैं कि आज हम क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं. तो मेरे साथ है मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, सासू माँ और मेरा बेटा जो कि अभी सो गया है. और अब हम पहुँच गए हैं अपने घर. तो हम लोग पहुंच गए हैं और सबसे पहले चल के ढूंढते हैं हमारी बर्थडे गर्ल को जो है यहाँ, काजल, मेरी भाभी. हैप्पी बर्थडे काजल. थैंक यू सो मच. तो काजल का ये थर्ड बर्थडे है आफ्टर मैरिज. बाबू गिनने जा रहा. अरे वो जंप कर रहा है. तो सबसे पहली बात तो बहुत 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 बधाई, हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो. और अब हम लोग जा रहे हैं काजल का बर्थडे सेलिब्रेट करने कहीं बाहर. वो तो विकास यानी मेरा भाई लेके जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं हम लोग. बट जहाँ भी जाएंगे मजे करेंगे, मस्ती करेंगे. आदि ये प्रिंटर है. तो रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद यहाँ बहुत सारे और लोगों ने हमें ज्वाइन किया. तो मैं आपको एक बार सबसे इंट्रोड्यूस करा दूँ. मेरे हस्बैंड, सामने मेरी आंटी और उनकी दोनों बेटियाँ सृष्टि एंड अनन्या, और ये हमारी बहुत ही क्लोज आंटी हैं. मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी सासू माँ, और काजल हमारी बर्थडे गर्ल, मेरा भाई विकास एंड काजल का भाई अर्पित. तो हम सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं और केक कटने की भी बारी आ गई. तो यहाँ पे एक्चुअली दो केक आया, एक हम लेकर गए थे, एक अर्पित लेकर आए थे. एंड लास्ट ईयर की तरह इस बार भी अर्पित का केक थोड़ा सा डैमेज हो गया था. लास्ट ईयर हम लोगों ने इसका बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया था कि हाँ ये डैमेज केक है, डैमेज केक है, अभी नया इन्वेंट हुआ है. तो वो मेमोरी थोड़ी सी ताज़ा हो गई. तो फाइनली बर्थडे गर्ल जा रही है अपना बर्थडे केक कट करने. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kajal. Happy birthday to you, Kajal. तो बहुत मजा आया. एंड काजल यानी मेरी भाभी भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट है. 3 साल ये थर्ड बर्थडे है काजल का आफ्टर मैरिज. बट पता ही नहीं लगा, अभी भी हम लोग को ये लग रहा कि अच्छा अभी तो नया नया ही है, नया नवीला सब कुछ है. बट बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और आंटी लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा. तो अब यहाँ पे हो रही है केक खिलाने की बारी और गिफ्ट शिफ्ट देने की बारी. बिकॉज गिफ्ट के बिना तो बर्थडे है अधूरा हमारा. फाइनली हम लोगों का जो स्नैक्स था वो भी आ गया है. हमारे सबसे पहले आया हॉट एंड सॉस सूप जो कि बहुत ही टेस्टी था. प्लस यहाँ पे आया था चिली पनीर और वो भी बहुत ही अमेजिंग था. और साथ में आए थे पनीर टिक्का, माय फेवरेट हमेशा से, एंड नूडल्स. सो हम लोगों ने किया अच्छे से अपना स्नैक्स एंजॉय. तो अभी हम लोगों का जो डिनर है वो आ गया है. बट यहाँ डिनर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सभी लोग सेल्फी फोटोज इन्हीं सब में बिजी हैं बनाने में. तो डिनर में कोई वैल्यू ही नहीं है. हमारे डिनर में था कढ़ाई पनीर एंड लच्छा पराठा एंड नान एंड रायता था बूंदी का एंड शाही पनीर मीठा वाला. लोगों का स्टार्टर इतना हैवी हो गया था कि डिनर थोड़ा सा लाइट ही हम लोगों ने मंगाया था. बट फिर भी बहुत हो गया. तो बहुत ही टेस्टी अमेजिंग फूड के साथ अच्छे से काजल का बर्थडे सेलिब्रेट किया. अच्छी खासी गैदरिंग हो गई थी, बहुत ही दिनों बाद हम लोग इकट्ठा हुए थे तो मजा आया. तो हम निकल रहे हैं घर को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग.
सो अभी मैं गई थी मम्मी के साथ मार्केट और मैंने बहुत सारी होली के लिए शॉपिंग की है और मार्केट में इतनी भीड़ थी कि मैं शूट तो नहीं कर पाई, बट मैं आपको जरूर दिखाऊंगी होली के लिए मम्मी ने मेरे लिए और हम सबके लिए क्या क्या खरीदा है, क्या क्या हम लोगों को दिया है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरी पसंद के मेरे साइज का जो कि एकदम मैं अभी के अभी पहन सकती हूँ उस टाइप से ड्रेस मिला और बहुत ही प्रिटी है। तो मैं सबसे पहले अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो कि वाकई में बहुत प्यारा है। तो ये है मेरा ड्रेस पूरा फुल लेंथ का फ्लोरल डिजाइन में, पूरी ये जो आजकल चली हुई है ट्रेंडिंग वो ड्रेस है, ऐसे बीच से हाफ कट है और बहुत ही प्यारा है विद अ बेल्ट और चुन्नी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मेरी ये ड्रेस मुझे। तो यार ये मेरे हस्बैंड की ड्रेस और एक मेरी पसंद की, एक मम्मी की पसंद की है और येलो वाली मैंने सोचा अपने हस्बैंड से ट्यूनिंग करके पहनूंगी। प्लस हैप्पी होली आदि के ड्रेसेस यानी मेरे बेटे की ड्रेसेस जो कि नानी की तरफ से गिफ्टेड है सारी बहुत ही कमाल के, शाम को कुर्ता पजामा पहनाऊंगी होली में मैं। और ये मेरी सासू माँ की साड़ी जो कि बहुत ही प्यारी थी और मेरे ससुर जी की ड्रेस पैंट एंड शर्ट क्योंकि वो हमेशा लाइट चूज करते हैं ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है। और मेरी देवर देवरानी की ड्रेसेस और परी की ड्रेसेस, परी बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बिजी अपने सॉक्स के साथ है, बिल्कुल भी हम पे ध्यान नहीं दे रही, मेरी बातों पर अवॉइड कर रही है, फुल्ली अवॉइड कर रही है मुझे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, काजल का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत 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 मजा आया और अभी एक होली भी हम लोग मिल ली है, होली आने वाली है बट मैं होली में यहाँ रहूंगी नहीं, तो मैंने प्लान किया मेरे भाई को इसको लगा के जाएंगे क्योंकि वो बहुत टीज करता है मुझे, तो मैं बदला लेने वाली हूँ। हैप्पी होली काजल, थैंक यू आंटी, सेम टू यू, हैप्पी होली, हैप्पी होली काजल, थैंक यू दीदी, सेम टू यू, लगा रहे हैं विकास को, बोला विकास को, विकास आओ, विकास आओ, टीका लगा दे, हमारा तो खराब हो गया, अरे टीका लगा रहे हैं, हैप्पी होली, चलिए अगर शब्द खराब है तो आराम से लगवा लें, कपड़ा नहीं खराब है तो बाहर कपड़ा ना खराब हो, और बार रंग अच्छा मेरे पास रंग अच्छा है, अच्छा आओ भाई, बाबू हां बाबू, हां बाबू, हां बाबू, हां कद मम्मी होली है, मम्मी होली है, होली है। हम लोगों ने होली से पहले ही होली कर ली, एंजॉय यहाँ पे मिल करके बहुत मजा आया। प्लानिंग तो था विकास को अच्छा खासा रंग लगाने का, बट मम्मी ने पहले रोका, फिर बाद में विकास ने रोक लिया, तो मुझे मौका ही नहीं मिल पाया उसको कलर लगाने का, बट मुझे बहुत अच्छा लगा और होली मुझे बहुत अच्छी लगती है, फुल ऑफ कलर, जॉय ऑफ कलर, बहुत ही मजा आता है। आप सबको भी एक बार फिर से हैप्पी होली इन एडवांस, मामी को अरे मेरा बच्चा। हम लोग निकल रहे हैं घर को, अभी तो ऑन द वे हैं और एक घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग गोंडा हमारे घर। बहुत मजा आया, काजल का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, होली भी हम लोगों ने मना ली होली से पहले ही, सभी लोग हरे हरे रंग में रंग के जा रहे हैं घर, आदि मेरा सो गया है, बहुत मजा आया वाकई में। गाइस अगर हमारे साथ आपको भी मजा आया हो, देख रहे हैं थक के सो, हाँ आदि ने तो बहुत मजा किया, एकदम फुल एंजॉय किया उसने हर तरीके से नानी के साथ स्पेशली। तो हम लोग अगर आपको भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आदि का फेस देख लीजिए अभी लगाया है, आदि सो गया है, आदि ने भी होली इतना एक्साइटेड है आदि होली के लिए, अभी से होली वाले दिन तो पता नहीं क्या करेंगे आदि। तो गाइस अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी।